ओके मैम। हेलो प्राजक्ता जी, वेलकम इन द क्लास। सो यस, ओपन द वीडियो एंड शेयर। आपने हमसे प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स किया है और हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जो काफी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं। तो यस, मैं आपको पिन कर देती हूँ, ठीक है? एंड हाईलाइट, एक हाईलाइट का भी होता है ना, स्नेक होस्ट। ओके मैम, ओपन द कैमरा, वी वांट टू सी दैट। यस, यस मैम, ओके। दिस इज मैम, स्कूल इस टाइम इवनिंग चल रही है, तो आप थोड़ा बैनर के ऊपर क्लोज करें मैम, और थोड़ा बताते हुए वीडियो में हमें बताएं। यस मैम, बताएं जरा कि क्या है, बैनर पे क्या लिखा है, बाल प्ले स्कूल डे केयर सेंटर। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे मैम, प्राजक्ता जी। जी मैम, यस 2 मिनट मैम। ये हमारा नया प्ले स्कूल ओपन है, बाल प्ले ग्रुप स्कूल एंड डे के सेंटर। वाओ, मेरा नाम प्राजक्ता उमेश संतपाड़ है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे में रहती हूँ। मैम ओके, से मैंने केसी कोर्स ज्वाइन किया था। उनसे ज्वाइन करते समय मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रॉड होगा, मतलब स्टार्टिंग में सबको ही लगता है। स्टार्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपके माइंड में भी आया, तो आपको फिर भरोसा कैसे हुआ, आपने फिर कोर्स में कैसे एनरोल कराया? यस मैम। आप ओपन कर सकते हैं, अभी हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं, देन वी विल टेक द विजिट टू स्कूल टूर। यस हाँ जी, खुल के बोलिए, बिकॉज काफी लोग आपको देख रहे हैं और आपसे एक मान रहे हैं, आपसे काफी सीखेंगे कि यस मैम ने किया है। और मे बी आप जैसे किसी और का भी डाउट हो कि मैम सक्सेसफुली स्कूल ऊपर करवाती भी है कि नहीं करवाती है, जस्ट मैम ऐसे वीडियो बनाती है और जस्ट फेक वीडियो तो नहीं है, काइंड ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपना प्लीज एक ऑनेस्ट फीडबैक हमें दीजिए। मे बी आपका एक फीडबैक किसी के लिए उसके जीवन में भी एक आशा की उम्मीद हो और वो भी अपना एक सपना ओपन कर जी पाए। यस मैम प्लीज। जी मैम, ये कौन सा भी फेक वीडियो नहीं, ये पूरा रियल है मैम। टाइम देके, खुद का टाइम हमें देके बहुत अच्छे से नॉलेज देती है। कौन सा भी डाउट होता है वो क्लियर करके वीडियो कॉल ऑफ करती है। जी मैम, और मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था, मुझे अभी भी डर लगता है। तो मैम ने, जब जब मैं डिमोटिवेट हुई थी तब तब मैम ने मुझे मोटिवेट किया। मतलब मेरा एज मतलब कम है, मतलब 21 ईयर्स की हूँ मैं अभी। तो मेरे सब वीडियो में ऐसा देखा था कि सब एजेड लेडीज थे, मतलब किसी का एजुकेशन भी बहुत हाई था और किसी की एज भी बहुत हाई थी, उनके बच्चे थे। उनको देखकर उनने प्ले स्कूल खोला था। और मुझे प्ले स्कूल खोलने का रीजन था कि मैं जॉब करती थी पहले से ही। मेरे 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था, हाँ जी, इसलिए तो मैंने, मतलब मैंने अराउंड देखा था कि बहुत लेडीज को प्रॉब्लम हो रही थी जॉब को जाने के लिए। तो मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि उनके बच्चे 2-3 साल के थे, साल के होते हैं, तो उनको संभालने के लिए कोई भी नहीं रहता उनके घर पर। मतलब दोनों भी जॉब करना, और आज के समय में दोनों जॉब करना मतलब नेसेसरी हो चुका है। बिल्कुल। दोनों जॉब करते से मतलब, जी जॉब करेंगे आपने तो घर स्कूल के साथ चलेगा, डे ऐसा बोर्डिंग खोला, और आप ये बताएंगे कि इससे होगा पहले आप क्या करते थे? जैसे मैम ने बताया मैं 12th पास हूँ और साथ में मैम बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसका जॉब का जी। बता रहे, क्यों आपको छोड़नी पड़ी और ये डिसीजंस लेना पड़ा? यस मतलब मैं एक मशीन ऑपरेटर हूँ, एमएडीसी में मैं काम करती हूँ। तो मुझे जॉब इसलिए छोड़नी पड़ी कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ज्यादा जरूरत मुझे स्कूल ओपन और डे केयर ओपन करने ही में है, डे केयर ओपन करने में ही है। मतलब मुझे एक मतलब हो रही थी ना, समाज सेवा करनी ओके, तो वो आपका है। मन था। जी जी जी
मुझे जॉब में बहुत पहले अच्छी से बात कुछ है, इंटरेस्ट नहीं हम था भी वही काम कर रहे हैं और जी। आगे आपसे वो भी कर, आप भी वो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके जो टाइमिंग आर्ट से थोड़ा बताएंगे कि हमने भी कैसे एडजस्ट करा, क्योंकि तो मैम के टाइम में जो 15 डे नाइट शिफ्ट लगती है और 15 डे जी मॉर्निंग की शिफ्ट लगती है, तो उसमें टाइमिंग एडजस्टमेंट की क्लास में जैसे इंडिविजुअल कोर्स मैम ने लिया तो ऑफकोर्स मैम ग्रुप में तो एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि टाइमिंग इशू था, तो टाइमिंग की वजह से हमने भी कितना कई बार हमने मॉर्निंग में भी क्लास ली है ना, तो कई बार हमने आपकी क्लासेस भी जी लगाई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ने तो बहुत है, मतलब आपने तो बहुत है एडजस्ट किया मुझे सच में। मतलब आपकी जगह कोई और रहता ना, मुझे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करता जी, सच बता रही हूँ मैम, दिल से बोल। सच आपकी जगह कोई और रहता तो मुझे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करता मैम। मतलब मेरी जॉब ऐसी है कि मैं सुबह 4 बजे नेटवर्क इशू था उस समय, तो मैम ने उस समय भी मुझे एडजस्ट। एक सेकेंड, नेटवर्क इशू आ गया था, आपकी 1 से 2 मिनट की बात कट गई है, तो दोबारा रिपीट करेंगे एक बार? जी 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 मैम, मतलब मुझे सुबह 4 बजे उठना, मतलब मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं 4:30 बजे जॉब को जाती हूँ और 5 बजे हमारी ड्यूटी रहती है, तो मैं रिटर्न आती हूँ तब शाम के 4 और 5 बज चुके रहते हैं। उसके बाद भी मैम ने बहुत एडजस्ट किया मुझे मैम ने, उसके बाद मेरा लेक्चर दिया। उनकी जगह कोई और रहता ना तो बोलता नहीं आप आज नहीं हम कल लेंगे, मैम ने ऐसा कभी भी नहीं किया, मैम ने पूरा लेक्चर लिया मेरा, जब तक मेरा कोई का डाउट क्योरी क्लियर नहीं होती तब तक। मैम और ये मैम हमारा सुबह काम है, मतलब जी और ये आप मैम, बताइए जो पहले आपका डाउट हो रहा था कि ऑनलाइन है फ्रॉड तो नहीं है, अब आपको कैसा लग रहा है, अब आपको क्या बिलीव है कि यस? जी मैम आप सच में बहुत अच्छी हो, मुझे आप कोई भी डाउट नहीं, ये बिल्कुल भी फेक कॉल नहीं है और बिल्कुल भी फेक मैसेज नहीं है, पूरी सच बात है कि मैम आपका ही लेती है सब सब डिटेल में, और फिर आपको सही गाइडेंस देती है फुल। आपको ये और लगा है आप कि सबके आपके स्टेट के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिली है, आपके बजट के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिली है, और जैसा आप चाहते हो आपकी जी लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो इंडिविजुअल कोर्स कैसे बेनिफिट है? एक जनरल वीडियोस काम दे जाएंगी, कोर्स कितना बेनिफिट हुआ आपके लिए? कोर्स मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ मैम, क्योंकि इस कोर्स में आप पूरी तरह से मतलब हर एक चीज सिखाती है, हर एक चीज शॉर्ट में हो या लॉन्ग डिटेल में हो पूरी तरह से सिखाती है। और इस कोर्स के वजह से मुझे मतलब कौन सा भी डाउट था ना आपने क्लियर किया है, और सच में ये कोर्स सभी ने करनी, यस मैम कंटिन्यू करें। यस स्टार्टिंग से मैम ये नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है आपका। यस यस मैम, मैम पूछ रही थी ना, मतलब आंसर के दे रही थी। यही कि पहले आपको ऑनलाइन लग रहा था कि भाई फेक तो नहीं है, तो उसके बाद अब ज्वाइन कर लिया है और अभी मिड में आपका कोर्स अभी रनिंग में ही है, प्ले स्कूल मैनेजमेंट, और मैम ने करते करते स्कूल भी ओपन कर लिया है, जो अभी हम मैम का प्ले स्कूल टूर देखेंगे, तो उसके बारे में आप क्या फील कर रहे हैं अब आपकी? यस नाउ, यस यू ऑलरेडी ओपन योर प्ले स्कूल, एंड हाउ इज योर फीलिंग मैम? कैसा फील कर रहे हैं, और सच में उस चीज को रियल में रियलिटी देखते हुए तो मैं कहूंगी क्या श्रेय जाता है आपको कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ वो कितना हुआ, कैसे आपने स्कूल खोला? यस यस मैम, मुझे तो बहुत हैप्पी हूँ मैं अभी स्कूल ओपन करके, मुझे बहुत बूस्टअप हुआ, मैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिले आपसे। ये कौन से भी फेक पीरियड नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ये कौन से भी फेक पीरियड नहीं है, हम सच में कोर्स लेती है, ऑनलाइन कोर्स लेती है, हर एक डाउट बहुत क्लियर क्लियर करती है। आपको कौन सा भी डाउट हो, मतलब आप मोटिवेट नहीं होते ना तभी मैम आपको ना मैम को देख के ही आपको मोटिवेशन आता है थैंक यू, ओके, जी। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि मैम को देखते ही हम मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा कैसे लगता जी है जी मैम को देखते कैसे हो जाते हो?
मैम आपको देख के मोटिवेट होती हूँ मैं, मतलब आप मुझे मतलब पहले मुझे जब मैंने वीडियो कॉल की थी आपको पोस्ट ज्वाइनिंग में, तब मैं आपसे बात भी नहीं कर रही थी ज्यादा। हाँ आई रिमेम्बर। हाँ, क्योंकि हम यहाँ मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा मराठी बोलते हैं ना, तो हाँ हिंदी बोलने के लिए मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। इंग्लिश तो बोल लेते हैं सब, मतलब हिंदी कम बोलते हैं, ओके हाँ मदर टंग हमारी मेबी मराठी, इसलिए हम कम हाँ बोलते हैं। ओके सो नाउ यू आर फुली सेटिस्फाई विद द कोर्स। अब बल्कि अभी तो हाफ ऑफ हुआ है, हाफ ऑफ में आपने स्कूल खोल लिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ, हर सेशन में बोलती हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कि आपका जब स्कूल खुलता है ना तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यस जिस चीज के लिए आप मेरे पास आए थे वो हम बिल्कुल आपकी खुलवा पाए हैं और आपको एक मोटिवेशन बूस्ट अप एंड नॉलेज दे पाए हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर दिस। और सर थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग केकेसी एंड मी ऑल्सो, कि यस आपने जो एक ट्रस्ट एक पॉजिटिव स्टेप लिया। मैम उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो सिर्फ देख के डर रहे हैं कि मोटिवेशन ले आ भी रही है लेकिन फिर भी एक झिझक है, पता नहीं मैम करवाएंगी नहीं करवाएंगी कोर्स, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिकॉज यू ऑलरेडी ओपन योर प्ले स्कूल। और अभी रिसेंटली 2 या 3 3 दिन पहले मैम ने अपनी ओपनिंग करी है और हम शेयर करेंगे फोटोज जी वगैरह, मैं ऑलरेडी वैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर चुकी हूँ। तो यस उनके लिए क्या मैसेज है मैम जो अभी भी झिझक रही है और सोच रहे हैं एंड थिंकिंग में काफी टाइम निकाल दिया है। ओके okay. आप थिंकिंग करना पहले बंद कर दो, मतलब ओवर थिंकिंग कभी भी ना डिमोटिवेट का ही काम करती है। बिल्कुल मतलब आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, मैम का पहले कोर्स ज्वाइन कीजिए, केकेसी कोर्स। आपको मैम पूरी तरह से मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग होती है हमारी, मतलब बेसिक नॉलेज से आपको मैम मदद करेंगी। शीतल मैम बहुत मतलब वो बहुत मदद करती है हमारी, छोटे से मतलब आपको रजिस्टर कैसे ओपन करना, मतलब रजिस्टर कैसे होता है, स्कूल ओपनिंग कैसे होती है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, सब मैम बताती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले कोर्स ज्वाइन कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि प्ले स्कूल कैसे ओपन करना। थैंक यू सो आपको मच। धीरे धीरे मोटिवेट हुई जाएंगे आप, और आपको आपकी ड्रीम है ना, तो आप पूरा ही करके मान लीजिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा बोला कि आप लोगों का ड्रीम है तो मैम पूरा करके ही मानती है और आपका जरूर पूरा होगा, हाँ हमारी ही कोशिश रहती है। तभी हम 3 सालों में 100+ स्कूल ओपन करवा चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। एंड ओके प्राजक्ता जी, हमने फीडबैक लिया एंड नाउ वी वॉन्ट टू सी एंड आई एम एक्साइटेड टू एंड आई वॉन्ट टू सी एंड वी ऑल वॉन्ट टू सी योर स्कूल टूर। यस मैम ओके ओके पूरा इंटरेस्ट से हम देखना चाहेंगे और मैं अपने आप को ठीक अनपिन कर लेती हूँ बिकॉज हम पूरा आपका लुक देखना चाहेंगे। ओके मैम हम एंट्रेंस से देखना चाहेंगे बिल्कुल बाहर से। यस जी मैम, बिल्कुल एंट्रेंस से दिखाइए। ओके टू मिनट्स ओके श्योर। वीडियो में मैम, बता दिख रहा है दीजिए मैम। हाँ जी ओके मैम, दिख अभी रहा है पहले वाला वो बताओ, ओके मैम ये इवनिंग टाइम है इवनिंग में मैम। शूट कर रहे हैं, हम इवनिंग में सेशन ले रहे हैं, थोड़ा सा डार्क आएगा पर दिस इज द बैनर ऑफ द स्कूल। ओके मैम हम इनसाइड चलते हैं, हम स्कूल के अंदर चलते हैं। जी ये एंट्रेंस है मैम, ओके ये क्लासरूम है हमारा, ओके देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लासरूम ऑफ द स्कूल है, एंट्रेंस के साथ में ही है। दैट्स यस यस, ओके दैट्स वेरी नेम ग्रेट स्टिकर और ये ओके ओके हम हैंडमेड बना रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। यस, वाओ टॉयज दिस इज और टॉयज चेयर्स। ओके एंड डेस्क यस, दैट्स ग्रेट दिस इज अ ब्लैक बोर्ड फॉर चिल्ड्रन हु आर ओके वांट टू राइट फ्रॉम डाउन वर्ड्स टू, मतलब बोर्ड ओके पर लिखने के, मतलब किसी किसी को बच्चे के लिए, बच्चों को वॉल पर लिखना बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए ओके हमने ऐसा बनाया कि बच्चे, हाँ वॉल पे लिखे। यस मैम, जी, वॉल पे लिखने के बजाय आप इस ब्लैक बोर्ड पर बैठ के ब्लैक भी बोर्ड लिख पे सकते हैं लिखे, मैम। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट आइडिया। जी, और यहाँ बहुत चार से छोटे छोटे हम एबीसीडी वाओ पढ़ा सकते हैं। यस मैम, लाइक दिस, ए फॉर एप्पल, टू जेड फॉर जेब्रा, संडे मंडे, फर्स्ट 1 to 10, जनवरी वाओ, फरवरी दिसंबर। सम बच्चों को एजुकेशन कार्टून आइटम बुक आपने यहाँ पसंद। प्लेस किए हैं। यस, कार्टून ओके 1 to 100, ऐसे बहुत सारे, और ये खेलने के लिए थोड़ा टॉयज, टॉयज ना ओके व्हीकल्स दैट्स स्टार्ट ग्रेट। है मैम हमारा। हम बाहर जाते, ये ये हमारा प्ले ग्राउंड, ओके हाँ काफी अच्छा स्पेस है। ये बहुत अच्छा स्पेस है। वाओ हमने चार्ट लगाए पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए कौन से ओके एक्टिविटीज है। मैम वाओ, एक्स्ट्रा क्लियर दिख करिकुलम रहा है? एक्टिविटी जो हमने पीडीएफ में दिए हैं यस वही मैम, है ना सारी एक्टिविटी, यस डांस मैम, यस एक्टिविटी, माइक एक्टिविटी, ये सब हम करवाते हैं या आपने लगवाया है। वाओ यस मैम, यहाँ थोड़ा फी स्ट्रक्चर है, ओके, मतलब टाइम टेबल थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पास आके कीजिए। यस मैम, ओके डे केयर फीस और प्ले स्कूल फीस सारा मेंशन किया हुआ है मैम ने, और ये मेंशन किया है पहले यस प्रेयर है, फिर स्टडी है, देन फूड है, देन गेम्स एक्टिविटी एंड द पोएम्स एंड राइम्स। तो ये आइडियाज वगैरह यस मैम, आपको हेल्प किए हैं जो हमने कोर्सेज में बताए हैं आपको। यस मैम, आपकी पीडीएफ ने भी बहुत हेल्प किया है, और हमने यहाँ लिखा भी है नीचे कि डांस कौन सिखाएगा, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, केयरिंग वाह हेड वाह, ओनर भी पता है। एवरीथिंग यस मैम, तो एक्सप्लेन किया है जी आपने। मैम, वाह जी जी मैम, दिस इज अ वॉल ओके, दिस इज अ बाउंड्री ऑफ द बच्चे के स्कूल। लिए, हाँ दैट्स ग्रेट, यहाँ वेटिंग दिस एरिया हो गया टेबल। लाइक। यस मैम, बच्चों ओके के लिए बैठने के लिए, पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए। गुड, जी, ये हमारा हम वैसे डे में भी शूट करते हैं पर मैम की अभी जॉब रनिंग में ही है तो मैम बहुत बिजी यस रहती यस है, तो इसलिए हमने इस टाइम पे हम शूट कर रहे हैं। जी और ये क्या बनाया मैम आपने, प्ले स्कूल मतलब प्ले मैम, ये ग्रुप, एक्टिविटी रूम है। ये एक्टिविटी यस रूम यस, है ये हम डांस जैसे भी, यस स्पीकर डांस वगैरह डांस सिखाएंगे। वगैरह। ओके ये यहाँ तबला है, ढोल, ओके यहाँ एक्टिविटी है, टीवी पर हम एक्टिविटी सिखाएंगे। स्मार्ट क्लासेस वगैरह जैसे हो गई, पोयम वगैरह लगाएंगे। यस, ओके और यहाँ टॉयलेट और बाथरूम है। ओके 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 एक बार यस आप मैम, वीडियो में बताइए महाराष्ट्र पुणे में कहाँ पे है मैम स्कूल आपका। हाँ मैम, फुल एड्रेस बताओ। हाँ जी फुल एड्रेस बताइए। जी, मुक्कम पोस्ट उतरौली, तालुका भोर, जिला पुणे, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुणे, और तालुका रहता है वो भोर है हमारा। ओके जी, तो महाराष्ट्र दिस में। इज द कंप्लीट रूम और हो गया मैम, यस काफी अच्छा लग रहा है। वी यस मैम, विश यू ग्रेट सक्सेस मैम कि आप बहुत सारे एडमिशंस लो, बहुत यस सक्सेस लो, और जो कोर्स में सीखा है आप एप्लीकेबल करो उसको। और अभी यस आप जो क्वेरी ले रहे हो उसमें कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी क्वेरी के लिए कोई आया है कितना कॉन्फिडेंस पे आप उसको डील कर पा रहे हैं। यस मैम, सम क्वेश्चंस अभी भी है मेरे पास, क्योंकि मतलब हम विलेज एरिया में, इसलिए फी बहुत, मतलब वो बोल रहे कि फी बहुत है, तो क्या बहुत है मैम, फी बहुत ज्यादा है ऐसे बोल रहे। अच्छा और मुझे नहीं लगता कि मैम, जैसे आपने हमें सिखाया फी बहुत ज्यादा है, मतलब वो एटलीस्ट 15,000 कमा रहे हैं, तो हमको वो थोड़ा अमाउंट दे सकते, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ वी हैव बहुत गवर्नमेंट स्कूल भी अवेलेबल है, इसलिए चल रहा है। धीरे धीरे माइंडसेट बदल जाएगा सबका, हाँ ठीक है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद प्राइवेट योर स्कूल। एक्टिविटी एंड द स्कूल करिकुलम, क्योंकि मुझे पता आपने सारा ही आगे रेनोवेट करवाया है और इसमें लगते भी चार्जेस हैं, तो वो सब चीज़ आपने करवाई है। ओके और कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम आपके डाउट सेशन लेते हैं। हाँ तो कुछ और मैसेज होगा आपके लिए जो व्यूअर्स हैं आपकी वीडियो देख रहे हैं। जी मेरा ये की मैसेज है, आपका ड्रीम है तो आप स्कूल ओपन कीजिए और मैम का क्लासेस ज्वाइन कीजिए, शीतल मैम का क्लास के किसी कोर्स ज्वाइन ही कीजिए, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप स्कूल कैसे ओपन करेंगे। और एक्टिविटीज मैम बहुत अच्छा से सिखाती, यही मेरा मैसेज है मैसेज है। सबको। थैंक जी यू सो मच प्राजिक्ता जी, और बहुत अच्छा लगा आपका पॉजिटिव फीडबैक देख के। और बिल्कुल आपका भी और जी लोगों की तरह से डाउट होता है, हेजिटेशन होता है कि विल इट ट्रूली ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म और नॉट, हम इस पर ट्रस्ट करें नहीं करें, पर यस आपने उस डाउट को पीछे रख के ट्रस्ट किया और यस आप जो है स्कूल ओपन कर पाए हैं। यही है कि आप जब तक स्टेप फॉरवर्ड नहीं जी करोगे, ऐसे सोचते रहोगे, तो हाउ कैन आई हेल्प। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड रियली मैं आपको विश करती हूँ कि बहुत सक्सेस मिले, और आप खुद ही कुछ महीने बाद बोलो यस मैम बहुत अच्छे एडमिशन्स आ रहे हैं, बहुत हो रहा है। तो काफी चीजें जो है आपको हमने बताई हैं और उस पर वर्क ऑन आप कर भी रहे हो। ठीक है, सो मैं एंड करती हूँ इस सेशन का।